दोस्तों, अगर आप भी एक हॉस्टेलियर हैं या अभी इस वक्त कॉलेज में हैं, लेकिन आपको इस वक्त बॉडी बनानी है, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी प्रोटीन का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट। तो दोस्तों देखो, बात ये होती है ना कि हम सब में ना एक मसल बिल्डिंग को लेके एक अलग ही जोश होता है, एक अलग ही कीड़ा होता है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास कि अगर हम कॉलेज में हैं, जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे भी मसल बिल्डिंग का बहुत शौक था, बट मेरे साथ सिचुएशन ये होती थी कि अब जो पॉकेट मनी हमें मिलती है या उस वक्त जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें कहाँ अब आदमी क्या कैसे सप्लीमेंट्स लेगा, राइट? कैसे अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगा? अभी पॉकेट मनी मिल रहे हैं महीने के 500 रुपये, 1000 रुपये, तो क्या मतलब कैसे हम 5000 और 6000 का एक प्रोटीन पाउडर खरीदेंगे, राइट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और उस टाइम मेरे साथ भी यही होता था। बट उसके अलावा एक चीज़ और है जो हम लोगों के लिए, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से खजाना बोल सकता हूँ मैं, कि एक तरीके से हम लोगों के लिए खजाना है जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता मिलता है। वो चीज़ होती है सोया बीन, सोया चंक जैसे कहते हैं। तो सोयाबीन ऐसी चीज़ है ना कि अगर मान लो आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते, अभी आप महंगे सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक इफ़ यू आर अ हॉस्टेलियर, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे इस वक्त कि आप बाहर जाके सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर पाएँ। तो सोया चंक्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सोया चंक्स से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है, मतलब ओवरऑल आपको जो चीज़ चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए सब उसमें मिलेगा। अब सोयाबीन के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि सोयाबीन को लेके बहुत सी बातें मार्केट में, ठीक है, सोयाबीन के साथ लोग कहते हैं सोयाबीन ज़्यादा खाने से एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो मुझे भी बहुत लोगों ने ये चीज़ पहले बोली थी, जब यू नो लाइक अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं मसल बिल्डिंग करता था और जब मेरे पास पैसे नहीं थे सप्लीमेंट्स के लिए, तो मुझे भी किसी ने बोला कि सोयाबीन खा बट उतना मत खाना कि एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाए एंड यू नो यू विल गेट अ मैन बू। तो उस वक्त मैं डर गया, तो मैंने सोयाबीन खाया नहीं, मैंने ज़्यादा सोयाबीन खाया नहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिजल्ट आने लायक आपकी बॉडी में वो चीज़ डालनी होती है कि जिससे रिजल्ट दिखे, मैंने उतना किया ही नहीं, मैंने उससे पहले ही छोड़ दिया था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, तो अभी आई नो कि क्या होता है कि सोयाबीन अगर आप लिमिट में ले रहे हो ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो अच्छी चीज़ ही है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम उसको ओवर द लिमिट कर देंगे ना, जब बहुत ज़्यादा सोयाबीन खाएंगे, और ये चीज़ सिर्फ सोयाबीन चंक्स के साथ नहीं, सोयाबीन का कोई भी प्रोडक्ट हो जो चीज़ सोयाबीन से बन के आती है, लाइक टोफू या सोया मिल्क, सोया ऑयल, है ना, सोयाबीन के जितने प्रोडक्ट होते हैं जो सोया से बन के आ रहे हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप उसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करोगे ना, तो वो फिर नुकसान करेगी आपकी बॉडी में, एस्ट्रोजन बढ़ाएगी, लेकिन वो तब बढ़ाएगी जब आप उसको एक्सेस करोगे, है ना। अगर नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हो, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आप बॉडी को दे रहे हो, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अभी अगर मैं नंबर्स में जाऊँ तो एक लेट्स सपोज अगर आप दिन में 200 और 250 ग्राम समथिंग ले रहे हो आप सोया चंक्स, ठीक है, लेट्स सपोज आपने सब्जी बना ली, आप 200 टू 250 ग्राम समथिंग ले रहे हो, तो उतना नॉर्मल है ना, पूरे दिन में आप कैलोरी बर्न भी तो कर रहे हो ना, तो उतना आप नॉर्मल है। अभी 250 ग्राम्स का अगर मैं बात करूँ, 250 ग्राम्स के अगर आप सोयाबीन ले रहे हो अपनी डाइट में, तो उसमें 15 to 20 ग्राम्स आपको प्रोटीन भी तो मिल रहा है ना, राइट? हाँ, बात ये होती है अगर आप दिन में बोलो कि मैं आधा किलो सोयाबीन खा लूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम तो होगी भाई, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो तो आपको भी पता है कि अगर दिन में आप इतना ज़्यादा सोयाबीन खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना, बट लिमिट में लोगे तो ठीक है। तो एंड में इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना भाई अभी, तो सोयाबीन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सोयाबीन पे जाओ, डाइट में सोयाबीन ऐड करो, 200 to 250 ग्राम्स आप पर डे ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास लेने का, मैं भी लेता हूँ, मुझे भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड अगली वीडियो के लिए मेरा वेट करिएगा, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। पीस आउट।